मैं यहाँ पे आया हूँ इंडिया गेट पे, मगर किस्मत ख़राब थी, फिलहाल यहाँ पे बंद है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे रिहर्सल चल रही है 26 जनवरी को लेके। भाई साहब फ्लाइट का भी नज़ारा यहाँ से। मैं यहाँ पे आया हूँ इंडिया गेट पे, मगर किस्मत ख़राब थी, फिलहाल यहाँ पे बंद है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे रिहर्सल चल रही है 26 जनवरी को लेके, तो अभी यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, नहीं तो हम लोग अंदर चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया 26 जनवरी की यहाँ पे तैयारी चल रही है, तो यहाँ पे ये रिहर्सल वगैरह सब कुछ होगी और उसी की वजह से यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, नहीं तो अंदर चलते। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, वो भी मैं आया तो वहाँ बंद मिला, तो कोई बात नहीं। लोग यहाँ पे काफ़ी लोग इंतज़ार में हैं कि भाई हो सकता है खुले यहाँ पे, मगर जैसे कि अंदर देख सकते हो पूरा अंदर सब कुछ बंद बंद करके रखा हुआ है इन लोगों ने फॉर सिक्योरिटी रीज़न। और 26 जनवरी की जो रिहर्सल होगी उसकी ये देखिए सामने तैयारियाँ हो रही है पूरा, तो ऐसा कुछ बता रहे हैं लोग। तो गाइस, यहाँ पे सीन कुछ इस तरह का है और यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, रास्ता बंद है, ठीक है, और अंदर जाने नहीं दे रहे। तो भाई जैसे कि देख सकते हैं फॉरेनर भी यहाँ पे हैं, क्योंकि भाई इंडिया गेट है, जाहिर सी बात है, और कैपिटल है दिल्ली इंडिया का। तो उधर उस साइड से मैं अभी इधर पीछे साइड पे आया हूँ घूम के चौराहे से, तो यहाँ से कुछ नज़दीक मुझे दिख रहा है इंडिया गेट। और यहाँ पे जो कैमरा वैमरा लेके लड़के रहते हैं, फ़ोटो वोटो आप इनसे निकलवा सकते हैं, तो कुछ सीन ऐसा है यहाँ पे। तो गाइस, इस वक्त मैं आ गया हूँ कुतुब मीनार के पास, तो अभी अंदर चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। तो गाइस, इस वक्त मैं आ गया हूँ कुतुब मीनार और फिलहाल टिकट के लिए काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई थी, तो काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पे टिकट के लेने में। और फिलहाल इस वक्त मैं मेन गेट से एंटर हुआ हूँ और मेरे सामने, मैं फ़र्स्ट टाइम भाई विज़िट कर रहा हूँ यहाँ पर, और सामने का सीन कुछ ऐसा। चलते हैं आगे थोड़ा नज़दीक में, फिर आपको दिखाते हैं।
गाइस इसमें कुतुब मीनार में जैसे कि देख सकते हैं इसमें कलमा लिखा है और कुरान की जो आयतें हैं इसमें लिखी गई हैं। ये देखिए इसका बेस, यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है और जो आयतें लिखी हुई हैं वो नीचे साइड पे है, मुश्किल से 15 से 20 फीट ऊंचाई पे, और वहाँ सेंटर में भी लिखी गई है और वो बिल्कुल टॉप का एरिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन है और उधर भी वहाँ पे पिलर्स वगैरह वाला, वहाँ भी लोग पिक्चर्स ले रहे हैं और इधर भी लोग पिक्चर्स ले रहे हैं यहाँ पे। तो पूरा मतलब जैसे कि हमारे इलाहाबाद में जैसे कि खुशरूप आ गया वैसे ही यहाँ पे वाइब आ रही है। सो गाइस इस कुतुब मीनार की एक्चुअल जो ऊंचाई है वो 72 मीटर है। सो गाइस जैसे कि मैं कल डलहौजी से वापस आया हूँ उसके बाद आज मैं दिल्ली का, मैंने सोचा चलूँ लोकल कवर कर लेता हूँ। जैसे कि इंडिया गेट गया वहाँ तो बंद ही था क्योंकि 26 जनवरी की रिहर्सल के हिसाब से वहाँ से सब कुछ बंद कर दिया गया था सिक्योरिटी रीज़न से। और आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार देखने और यहाँ टिकट विकट भैया बहुत टाइम लग गया लेने में और कुतुब मीनार भी मुझे अच्छा लगा, ठीक है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ से मैं निकलूँगा आज रात की, मेरी ट्रेन है इलाहाबाद के लिए। तो ये जो व्लॉग है दिल्ली का कुछ ऐसा ही है और जो भी आपने 3 व्लॉग देखा अपना डलहौजी का, फर्स्ट जहाँ से मैं गया वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।